दोस्तों ये हैं विवेक भाई जिनके काफी लोग दीवाने हैं। दोस्तों जब ये अपनी शूटिंग के लिए दिल्ली पार्क में गए हुए थे तब इनको अपनी लाइफ से परेशान एक लड़की मिलती है जिसका नाम नेहा होता है। उसके साथ उसका बेटा भी होता है जिसका नाम आयान होता है और वह आयान को लेकर काफी चिंतित थी क्योंकि वह पढ़ाना चाहती थी। उससे पढ़ाने के लिए उसके पास कोई पैसे नहीं थे। तब उस लड़की की मदद विवेक भाई करते हैं और उस लड़के का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा देते हैं जिसमें लगभग 5 लाख रुपए का खर्च आ जाता है। और कुछ दिनों के बाद वह लड़की फिर उनसे मिलती है। विवेक भाई उन डिमांडों को भी पूरा कर देते हैं और उसके बाद फिर वह लड़की फिर उनसे शादी के लिए जिद करती है। विवेक भाई शादी से इनकार कर देते हैं और फिर वह लड़की उनसे मिलना चाहती है और विवेक भाई मिलने से भी इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर विवेक भाई मान भी जाते हैं। और उसके बाद में लड़की की इतनी डिमांड बढ़ती जा रही थी कि विवेक भाई ने मिलने से ही इनकार कर दिया। और लड़की क्या चाहती है विवेक भाई के मुँह से ही सुन लीजिए। चाहता तो मैं भी बहुत हूँ कैटरीना कैफ को, चाहता तो मैं भी बहुत हूँ ऐश्वर्या राय को। कुछ चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं, मेरे लिए पैसों की कोई तवज्जो नहीं है, लेकिन मेरे लिए यार मेरी भी एक अपनी लाइफ है, मैं खुद अपना डिसीजन लेने के लिए सोचा हूँ। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। दोस्ती भी पॉसिबल नहीं थी बट आपने की ना, कोई किसी के लिए भी हेल्प नहीं करता, बट आपने 5 लाख रुपए भी दिए, मेरी इतनी हेल्प की, सब कुछ किया। यार मेरे लिए 5 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, मैं 50 करोड़ कमा लूंगा। बात पैसे की नहीं है, बात यार मेरी लाइफ की है, मैं क्या फील करता हूँ, मैं क्या नहीं करना चाहता हूँ वो मैटर ही नहीं करता है ना यार। मैं क्यों चाहूंगा, इतना लाइफ नहीं है नेहा जी। मैं भी तो एजुकेटेड हूँ, ये तो नहीं है ना, मैं तो मतलब इतनी भी बेकार नहीं हूँ ना मैं। आप मैंने कभी मैंने आपसे दोस्ती नहीं की, अगर मैं आपसे दोस्ती नहीं किया होता तो 5 लाख की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे लिए हमारी लाइफ की तो वैल्यू है ना। आपने जो हेल्प की वो अयान की, ठीक है, मैं तो आपसे आपकी दोस्ती मांग रही थी ना, आप तो वो भी नहीं, मतलब बात भी नहीं करते हो, कभी कभी बात करके भी अच्छा लगता है क्योंकि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, मेरी इतना दर्द है, तो मैं सोचती हूँ आपसे बात करके थोड़ी खुशी मिलती है। यार मैं आपकी प्रॉब्लम को समझा सकता हूँ, आपकी प्रॉब्लम को सुन सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे जो आप मांग रही हैं, जो आप चाहती हैं, जो आप फील कर रही होंगी वो पॉसिबल नहीं है। आपको शादी करनी है, इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं, आप किसी से भी शादी कर लो, इसमें गलत तो नहीं है कुछ भी। मैं नहीं करना चाहता हूँ, आप मुझे फोर्स करोगे, आप बताओ पॉसिबल है, जबरदस्ती चीजों को मांगा जा सकता है? नहीं, वो बात तो ठीक है, आप ये बात नहीं समझ रही है। आपकी मम्मा से मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि आप ना अच्छा शादी बहुत अच्छी है, तो फिर आपने क्यों नहीं की शादी? अरे मैं तो अपनी गलती से करूँगा, अगर मैं आपसे बात करूँगा, आपसे बात नहीं करूँगा और मम्मा से भी बात नहीं करूँगा, कर लो शादी। हम बार बार अयान का वो रीजन देते हो, लेकिन मैं आपसे एक बार फाइनली क्लियरली कट बोलता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि इस वीडियो में कुछ नया जाना हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो के साथ।